चेक करने की बात कर रहे ना, आप सामान ले लो, आप सब चेक कर ले, चेक कर भी आओ होते नहीं, देख लो पहले कलेक्टर आई जी लेके सरपंच में बैठे, अब बैठे तो भले ही कर ले, तो सर हम आज ले आ तो पा कर ले, अब सरपंच का करे, सरपंच तो बाबा का अपनी पंचायत में बैठे भाई, खतरा में बैठने से क्या होता है, कोई चीज के लाभ नहीं, कर्मचारी सोचना चाहिए, बोलेंगे ना समझ गए कि गरीबों को काम करना चाहिए, किसी चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे, अब बताओ जी बेचारी लेडीज के 15 साल से विधवा है वा, वो तुम कह रहे हम चेक करा लेंगे, एक बुद्धि है क्या नहीं है कि चेतन ने नाम है तो चेतन ही होगा, जितने भी शिविर लग रहे हैं सब सब शिविरों की इनकी इनको बैंड बजवा है, बैठो तुम चैम्बर के अंदर। देखिएगा आज दोपहर के बाद जो है एक आप लोगों की वीसी यहाँ पे थी अपना नौरा देवी अभयारण्य को लेकर, तो उसके बाद में बाहर आया था, तो आई थिंक वो कोई नरसिंहगढ़ की शिविर को लेके वहाँ पे आई थी, तो जिसमें चार पांच जो अपने हितग्राही को पात्रता नहीं मिलने के बारे में कही गई है। अभी जो अपना मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का उद्देश्य भी वही है कि अगर कोई पात्र है आज के डेट में उनको पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हो रही है, उनको जो है हम लोग जो है पूरी तरह पात्रता के अनुसार जो है लाभ दिलाने के लिए, यही बात जो है मैंने विधायिका जी से भी कही गई है, लेकिन उनके द्वारा कुछ अपशब्द कहने की ये सब भी बात आई है, तो हम लोग जो है जो भी शासकीय प्रावधान है जितने भी अपने नियमानुसार कार्यवाही होगी सभी का। आज हम देख रहे के इधर कि सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लगी नहीं रहा, मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ तो ना उधर आरआई है, ना तहसीलदार है, ना फुट अधिकारी है, ना उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है, अब जी उधर की समस्या है जी माता राम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है 15 साल माता राम को उनके पति खत्म हो गए, इसके पहले कोई वो पंडित थी एक लड़किया सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया, इन गरीबों से कई बार 200-300 रुपए भी ले गई, क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के, इस टाइप का शिविर लगने चाहिए, जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूंगा नियम के तहत, ये नियम है ये सब लेडीज जो खड़ी हैं ये नियम के तहत नहीं आती हैं।